हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विज्ञान साइंस एकेडमी, जहाँ पे हम लोग मेडिकल के सभी अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है अन अकेडमी पे मैं खुद फिजिक्स का लेक्चर ले रहा हूँ, तो यहाँ पे जो है आपके जो भी फ्रेंड्स हैं आप उनको अन अकेडमी रेफर करो फॉर नीट यूजी एज वेल एज नीट पीजी। ठीक है, तो नीट पीजी के लिए भी बहुत सारे कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल है जो कि फ्री है, और नीट यूजी के लिए अभी फिलहाल जो डिस्काउंट है वो आपको 20% मिल रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कोड यूज़ करना है Upkar_96। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या है, तो प्लस सब्सक्रिप्शन का एक्सेस जो भी है वो पूरा आपको मिल जाता है, इंडिया के टॉप एडुकेटर्स, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस एंड लाइव टेस्ट एंड क्विज आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर पीडीएफ कोर्सेज भी है, यहाँ पे कुछ अलग अलग बैचेस है, फॉर एग्जांपल एम्स रैंकर बैच है, फिर समर्थ बैच है, अद्वितीय बैच है, नीट ड्रीम टीम है जो कि बेस्ट एडुकेटर्स है, एंड ये सब बैचेज जो है 17th of September से स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे ड्रॉप ले रहे हैं, आपके रिलेटिव्स होगा, आपके फैमिली में कोई मेंबर होगा, तो आप उनको सब्सक्रिप्शन रेफ़र कर सकते हैं। ऑलमोस्ट आपको ये 20% एंड कोड अगर आप यूज़ करोगे तो उसका एडिशनल 10% यानी कि 30% यहाँ पे डिस्काउंट आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ये ऑफ़र फ़ायदा लीजिए, अपने फ्रेंड्स को फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिए, और आज का जो वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, यहाँ पे हम लोग कुछ बातें करेंगे, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है सबका कि जो अभी जो एग्ज़ाम है फ्रॉम 12th of October, तो क्या वो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है या फिर वो एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल अकॉर्डिंग टू ABHS ये क्वेश्चन का ये आंसर है कि आपका 12 अक्टूबर से जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन होने का कोई भी अपडेट नहीं है। ठीक है, तो क्या इन फ्यूचर ये पोस्टपोन हो सकता है, तो डिपेंड करता है गवर्नमेंट के डिसीजन पे। सपोज़ अचानक से थर्ड वेव का फेज देख के लॉकडाउन लगा दिया या ऐसा कुछ हो गया तो पोस्टपोन हो सकता है, लेकिन 99% पोस्टपोन नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ कि 12 अक्टूबर का एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा। सेकेंड, अगर हम लोग बात करेंगे 21st of September के एग्ज़ाम के बारे में, तो क्या वो फाइनल ईयर का या बाकी के जो बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम है तो क्या वो पोस्टपोन हो सकता है, तो उसका भी यही ABHS ने बोला है कि हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि वो एग्ज़ाम ऑन टाइम लेने का, तो वो एग्ज़ाम भी पोस्टपोन करने का कोई भी अपडेट नहीं है। ठीक है, तो 21st वाला भी एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होने वाला। ठीक है, तीसरी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि कमेंट कर रहे थे RT-PCR टेस्ट के बारे में, तो क्या ये साल RT-PCR टेस्ट कंपलसरी है? अभी जैसे मैंने 2-4 कॉलेज में बात किया तो वहाँ पे तो RT-PCR टेस्ट कंपलसरी है। अगर आपने वैक्सीनेशन किया है, 2 डोज भी लिए हैं, फिर भी आपका वो RT-PCR का रिपोर्ट मांगते हैं। ओके, तो अगर किसी का भी वैक्सीनेशन एग्ज़ाम डेट के नियर बाय आता है तो वो लोग अगर वैक्सीनेशन करने के बाद रिपोर्ट RT-PCR करते हैं तो हो सकता है कि पॉजिटिव भी निकले, तो थोड़ा सा डॉक्टर से कंसर्न करें, बात करो डॉक्टर से जाके कि क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर RT-PCR पॉजिटिव आता है तो आपको पता है एग्ज़ाम देने नहीं मिलेगा, फिर आपका एक अलग बैच में एग्ज़ाम होगा, फिर रिजल्ट आगे सब कुछ आगे, ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है। तो बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, चाहिए तो एक डोज चलेगा लेकिन RT-PCR आपका नेगेटिव भी आना चाहिए फॉर योर एग्ज़ाम। ठीक है, फिर बात करेंगे विथ हेड वाले रिजल्ट के बारे में कि अभी कुछ कुछ ऐसे हैं जिनका रिजल्ट ही नहीं आया। ओके, तो मेरे ख्याल से जो भी बच्चे हैं उनका रिज़ल्ट आ जाएगा। अगर इनकेस रिज़ल्ट नहीं आता तो ABHS ऑफकोर्स कुछ ना कुछ मेथड बनाएंगे, उनका अलग से एग्ज़ाम लेंगे, और ये भी एक प्रोविज़न रखेंगे कि उनका ईयर वेस्ट या फिर उनका ऑड या इवन बैच ऐसा ना हो। ठीक है, तो जैसे कि कोविड जो स्टूडेंट पॉजिटिव थे उनका एक एक्स्ट्रा अटैम्प्ट नहीं एक्सेप्ट किया था, मतलब एक एक्स्ट्रा अटैम्प्ट नहीं बोला था, उनको कॉमन अटैम्प्ट में ही दिया है, वैसा ही कुछ सिमिलर सिस्टम इनके लिए भी बनाया जाएगा। ठीक है, तो आई होप गाइस आपके जो भी डाउट है क्लियर हुए, और अगर कुछ डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, और मैं ट्राई करूँगा जो भी डाउट मुझसे सॉल्व हो सके मैं सॉल्व करने का। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके RT-PCR टेस्ट के बारे में और ये जो एग्ज़ाम पोस्टपोन होना है उसके बारे में। तो आप ये वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो।